हेलो एवरीवन, मैं हूँ ज्योति नागदेव। मैं अपने चैनल ग्रीन डब्बा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे ताजे गुलाब से रोज़ शरबत, जो बहुत ही ठंडा और रिफ्रेशिंग होता है। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं, ताजे गुलाब से रोज़ शरबत बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। रोज़ शरबत बनाने के लिए ये 200 ग्राम्स रोज़ की पेटल्स हैं। रोज़ ले लिए थे, उनके पत्तियाँ अलग कर ली हैं। आप रोज़ गुलाबी या लाल कोई भी ले सकते हैं, बस खुशबू उसमें अच्छी होना चाहिए। ये 1.5 kg मैंने शुगर ली है। कप से देखेंगे तो करीब 6 कप शुगर है, 6 कप्स मैंने शुगर ले ली है। 750 ग्राम शुगर हम लेते हैं तो एक बॉटल बनती है। मुझे 2 बॉटल्स बनाना है, इसलिए मैंने 1.5 kg शुगर ली है। साइट्रिक एसिड, जिसको हम टाटरी बोलते हैं या नींबू के फूल बोलते हैं, नींबू का सद बोलते हैं, और इलायची, ये करीब 20-22 इलायची ले ली है। रोज़ एसेंस और रेड कलर। शरबत बनाने के लिए सबसे पहले हम इलायची को ग्राइंड कर लेते हैं, छिलकों के साथ ही करना है हमें इन्हें ग्राइंड। इसमें 1 टेबल स्पून मैंने शुगर डाल दी है ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए। अब हम ये शुगर एक भगोने में ले लेंगे। अब इसमें हम पानी डालेंगे। 1 कप शुगर में करीब 1.25 कप पानी डलता है। इसमें मैं 4.5 कप पानी डालूंगी क्योंकि 6 कप शुगर थी। अब इसे हम गर्म करने रखेंगे। इसको एक बार हम हिला लेंगे, नीचे चिपके ना। अब इसे हम शुगर मेल्ट होने तक गरम करेंगे। ये शुगर मेल्ट हो गई है। अब इसमें हम ये रोज़ के पेटल्स डाल रहे हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल रहे हैं। ये शरबत बहुत ही रिफ्रेशिंग होता है, एकदम ठंडक देता है, पीते हैं तो इसे। आप रेड रोज़, पिंक रोज़, कोई भी रोज़ ले सकते हैं, बस अच्छे खुशबूदार रोज़ेस होना चाहिए ताकि शरबत हमारा बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही रिफ्रेशिंग बने। मैंने गुलाब से पत्तियां तोड़कर 3-4 पानी में उन्हें अच्छे से धो लिया था, उसके बाद हम इन्हें यूज़ कर रहे हैं। देखिए इसका कलर लाइट हो गया, रेड से पिंक हो गया। इसका कलर और इसका एसेंस सारा शुगर सिरप में आता जाएगा। अब इसको हम बॉईल करेंगे। अभी हमारा शरबत बॉईल हो रहा है, अब हम मीडियम फ्लेम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे 10-15 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। मीडियम फ्लेम पर हम इसको इसलिए बॉईल करेंगे ताकि सारे गुलाब की पत्तियों का एसेंस चाशनी में अच्छे से आ जाए और बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही अच्छा शरबत तैयार हो। ये 15 मिनट हो गए हैं मीडियम फ्लेम पर इसको उबालते हुए। अब इसमें हम 1/4 टीस्पून साइट्रिक एसिड डालेंगे। इसके डालने के 2 पर्पस हैं। मेन पर्पस है कि जब ये ठंडा होगा तो शुगर क्रिस्टलाइज नहीं होगी, शुगर जमेगी नहीं जब हम इसको स्टोर कर रखेंगे। दूसरा, इसमें ये गुलाब की पंखुड़ियों का और कलर आ जाता है। ये देखिए अभी से ये रेड लगने लगा है। अब इसको हम 1-2 मिनट और उबालेंगे। अब इसमें हम ये इलायची और शुगर का जो हमने पाउडर तैयार किया था वो डाल रहे हैं। इलायची से शरबत का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे इसे पानी में इसे बनाकर पिएं या दूध में पिएं, मिल्क शेक बनाकर, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब हम 5 मिनट करीब और इसको बॉईल करेंगे मीडियम फ्लेम पर। ये 5 मिनट और हो गए हैं इलायची डालने के बाद इसको उबलते हुए। अभी मैंने टोटल 20-22 मिनट इसको बॉईल किया है मीडियम फ्लेम पर। अब इस फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने रखेंगे। इसको ठंडा करने के लिए भी हम इसे ढक कर रखेंगे ताकि इसकी जो वेपर्स हैं वो बाहर ना निकलें और इसकी खुशबू इसके अंदर ही रहे। 2-1 घंटे में जब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम आगे की प्रोसेस करेंगे। ये ठंडा हो गया है हमारा शरबत, अब हम इसे देख लेते हैं। ढक्कन हटाते ही रोज़ की और इलायची की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है।
अब इसको हम छान लेंगे। अब इसमें से शरबत निकाल लेंगे। इन रोज पेटल्स से बहुत कुछ किया जा सकता है। आप इससे गुलकंद बना सकते हैं, आप इससे किसी मिठाई में डालकर या लड्डू पेड़े में डालकर वो बना सकते हैं, आप इससे रोज़ की लस्सी बना सकते हैं, मिल्क शेक बना सकते हैं। अब इसमें हम 2 टीस्पून रोज़ एसेंस डाल रहे हैं और इसमें हम कलर भी ऐड करेंगे। ये 2 टीस्पून हम इसमें रेड कलर डाल रहे हैं, आप ड्राई वाला पाउडर वाला कलर भी इसमें डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया शरबत हमारा तैयार हुआ है। इसकी कंसिस्टेंसी भी देखिए, अच्छी गाढ़ी कंसिस्टेंसी है इसकी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अगर एक बार आप ऐसा शरबत बनाएंगे तो मार्केट से कभी भी आप रोज़ का शरबत लेकर नहीं आएंगे। अभी शरबत हम बॉटल में भर लेंगे। अब पानी में शरबत बनाने के लिए 1/4 ग्लास मैंने शरबत ले लिया है। अब इसमें हम आइस क्यूब्स ऐड करेंगे और पानी ऐड करेंगे। ये हमारा बहुत ही रिफ्रेशिंग, एकदम ठंडक देने वाला शरबत तैयार हो गया है। देखिए अब हम मिल्कशेक बनाते हैं। मिल्कशेक बनाने के लिए ये 1/4 ग्लास मैंने शरबत ले लिया है। अब इसमें हम आइस क्यूब्स ऐड कर रहे हैं और मिल्क डालेंगे इसमें। अब इसे हम एक बार चर्न कर लेंगे। ये देखिए हमारा मिल्क शेक तैयार है। अब इसे हम सर्व करते हैं। हम थोड़ी सी रोज पेटल्स डाल देते हैं। ये हमारा बहुत ही बढ़िया शरबत और मिल्क शेक तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, उससे आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।